मोहम्मद साकिब लेडीज बॉयज एंड गर्ल्स थैंक यू वेरी मच कि आप हमारे शो पर आ गए अगर आप कमरे से टीवी लाउंज में चले गए और वहां पर टीवी है तो आप मतलब मेरे शो पर आ गए और 11 से 12 का वक्त ये आपका नहीं ये मेरा नहीं ये हमारा वक्त है ग्यारह बजे जो आप समा पे आ गए आप ग्यारह से बारह एक अच्छा सा समा हमें साथ में बांटना है प्यारी प्यारी बातें करनी है इंजॉय करना है क्योंकि यही जिंदगी अगर हंस खेल नहीं रहे तो जिंदगी में कर क्या रहे हो लेकिन उसके साथ साथ प्रोग्रेस भी करना है कुछ सीखना भी है बेला जी आपका आपकी टीम का आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने किस तरह का मेरा वेलकम किया और ये जो ऑडियंस है जो मुल्क की यूथ है क्या कमाल कर दिए इन लोगों का शोर जज्बा वलवला और जिस तरह उन्होंने मोमिन 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 के नारे लगाए मैंने कहा वो मोहब्बत जो दोस्तों से घर वालों से नहीं मिली आज इनसे मिल गई है यार अपने लिए तालियां बजाओ यू। शो को आगे लेकर चलते और बुलाना चाहूंगा हमारे आज के गेस्ट शुरू कर और लोगों के दिलों में अपनी कमाल की अदाकारी से जगह बना ली ऐसे ऐसे ड्रामास किए जिन्होंने पाकिस्तान में नई दुनिया में चर्चा क्रिएट कर दिया आपकी भरपूर तालियों में मोहब्बत में बुलाना चाहूंगा उनको जो है कमाल की बंदी प्लीज वेलकम फातमा इतना, इतना प्यार और लाहौर जब भी आना होता है, बहुत खुशी होती है क्योंकि बहुत प्यार मिलता है क्या बात है मुझे लगा कहेंगी लाहौर जब भी आना होता है डेफिनेटली बाट की कढ़ाई जीले की कढ़ाई खाती हूँ भैया के कबाब <laughs> लेकिन खाना पीना तो एक तरफ लेकिन वाकई मुझे आइडिया था कि पीपल लव दे लव टीवी

बैक बैक uh, जी साथ साथ और uh, दोनों में बिल्कुल डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं अच्छा जी तो ये ये कब हम एक्सपेक्ट करने के एक्सपेक्टेड uh, है अभी एक दो महीने में uh, दोनों का एक्सपेक्टेड है कि वो आ जाएंगे हो सकता है एक पहले आए दूसरा लेकिन दोनों एक ही चैनल के लिए इन खैरियत से आए और आप लोग उनको बहुत करें इसी के साथ शो का सिलसिला शुरू करते हैं और मैं आपको मैं जो आपसे सवाल पूछ रहा हूँ आप समझें कि ये ऑडियंस ही आपसे पूछ रही है काश में तेरी बेटी ना होती बेटियां। इस तरह की मजलूम स्टोरीज़ में डायरेक्टर ही को क्यों हमेशा चूज करता है पता नहीं मैंने भी ये सवाल किया था डायरेक्टर से ज्यादा आई गेस प्रोडक्शन का इसमें रोल होता है चैनल अच्छा। का प्रोडक्शन का तो मुझे कहा गया आपकी शक्ल बहुत मासूम है तो वो वो जब आप पे होता है ना ये सब कुछ जुल्म तो वो आप बहुत क्यूट सी लगती हैं रोते हुए वेरी गुड तो आप अच्छी एक्टिंग तो करती हैं लेकिन हमें ये भी पता चला कि आपका एक और टैलेंट भी है प्रिडिक्ट करने का आपने प्रिडिक्ट किया आपका मोबाइल चोरी हो जाएगा वो चोरी हो गया ये सच है प्रिडिक्ट नहीं किया एक बहुत ही कोई अजीब सी ख्वाहिश मैंने जाहिर की थी मैंने कहा था कमर से मैंने कहा मेरा फ़ोन नहीं चेंज करा रहे हो चोरी हो जाएगा मेरा फ़ोन कभी चोरी नहीं हुआ तो चोरी हो जाएगा तो फिर चेंज कराओगे तो उस वक्त मेरे कवर ने मुझे लाइक फ़ोन चेंज करा दिया था आई गॉट अ न्यू फ़ोन और उसी वक्त मैं शूट से बाहर निकली तो हम लोग जहाँ शूट कर रहे थे वहाँ पे फिर वो आ गए स्नैचिंग करने और फ़ोन ले गए मेरा अच्छा क्या क्या आगे कहा क्या उन्होंने कुछ नहीं कहा मैं, आ, मैं बहुत हो थी, मेरा फोन चोरी हुआ था वैसे हुआ पहचाना नहीं, अरे नहीं वो पहचान के ही आए थे क्योंकि हम एक ऐसी जगह पे शूट कर रहे थे जहाँ अपार्टमेंट्स थे और ऊपर छत पे हम पूरा दिन काम कर रहे थे सीन्स तो अराउंड जितने भी अपार्टमेंट्स थे वहां से लोग देख रहे थे कि कौन सा फोन है इनके पास क्या है तो ये सब कुछ, की उन्होंने। जी जी रेकी की और वहाँ पे आ, मतलब उनको सब कुछ पता था तो जैसे ही मैं आके गाड़ी में बैठी हूँ तो वो आ गए थे और साथ में लाइन प्रोड्यूसर थे हमारे वो ड्राइवर सबका फोन लिया अब जो लाइन प्रोड्यूसर है ही वाज लाइक नॉकिंग ऑन माय विंडो एंड आई वाज लाइक स्ट्रक हो क्या रहा है मतलब वो गन देख के ना अजीब मैं सत्ते में चली गई एंड

और उनको लड़कों को बाइक पे देखा मुझसे फोन जो है मेरी टीम के मेंबर ने ही लेके तो टीम के मेंबर ने में बस यही गम यही लग गया यही गम है देखिए अपने ही धोखा देते हैं पहली अपने ही नशे गिराते हैं बिजलिया तो आपने जिक्र किया कि फोन

लोगों की उम्र में जब थी उससे भी पहले you know, की में कदम रख दिया। was... Was आना 8 साल की उम्र में एक्चुअली um, मेरी अम्मी एक्ट्रेस हैं एंड वो शादी से पहले न्यूज कास्टर भी थी पीटीवी पे तो अब uh, तो खाला भी थी तो लाइक like, मैं स्कूल में बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट थी शायद ही मुझसे बात नहीं होती थी किसी से तो अम्मी ने मुझे एक्टिंग स्टार्ट करवाई थी इस उसमें तो तुम्हें लोगों से बात करना तो आएगा कोई कॉन्फिडेंस तो आएगा तो वो करते करते चले गए बट उस वक्त मैंने कमर्शियल ज़्यादा किया एक्टिंग कम की क्योंकि स्कूल था तो पढ़ाई के साथ टाइम ज़्यादा मैनेज करना अम्मी ने कहा नहीं बच्ची है उसको पढ़ने दो तो एक्टिंग की बट कम कम काम किया लाइक अगर लीड रोल्स लाइक टीन में भी ऑफर होते थे तो अम्मी कहती थी नहीं इसको बहन का कैरेक्टर दे दो कि यू you नो know, जल्दी फ्री हो जाए लाइक कम दिन का काम हो दोपहर में आ जाएगी स्कूल के बाद इस तरह से करते करते बस फिर वो सिलसिला बनता रहा इनिशियली मुझे नहीं पसंद था ये करना। आपको एक्टिंग अच्छी नहीं लगती थी क्यों नहीं लगती लाइक

आई प्रो आउटसाइड एंड अलहदुल्ला अपना जी अरे बताए थोड़ा उसको कि क्या कुन क्या है दाल रोटी मटन सब किकेन. कुछ है सब कुछ है कॉन्टिनेंटल है कढ़ाई है हांडी है बाबिक्यू है सब कुछ है तो प्रोडक्शन बहुत मुश्किल काम आप है। आप खुद भी खाना बना लेती हैं? अच्छा जी जी। सस्ता है <laughs> आपने बताया है, भी आप रहे। सस्ता है। आप मैं कि अपनों को सपोर्ट करना चाहिए हम हमेशा हमारा कोई जाने वाले का को काम शुरू हो रहा हो जानी मैं आ रहा हूँ पांच लोगों को लेके अपने ही मरवा देते देना चाहिए अगले को सपोर्ट करो आपको इस तरह करते लोग

ऐसे को बस करूंगी शर्म करो <laughs> तुझी आप कैसे को कैसे को कहूंगी हद कर दी हद कर दी तुम लोगों ने यार फातिमा <laughs> जी और उनके हस्बैंड शाम को रेस्टोरेंट गए हैं मैनेजर आगे बता रहा है आज सौ लोग आए हैं मैम अस्सी आप लोगों के दोस्त थे <laughs> <laughs> जिन्होंने पे नहीं किया बीस मेरे दोस्त थे जिन्होंने पे नहीं किया ऐसे थोड़ी होता प्लीज यू हैव टू सपोर्ट हर इफ यू आर फ्रेंड्स गुड फ्रेंड्स

नहीं आंटी रेडी नहीं थी कुछ मुलाकात हु, हुई थी बट अम्मी थोड़ा बहुत कन्विंस हो गई थी उनके लाइक एक शादी थी अच्छा। हमारे फ्रेंड की जिसमें लाइक हमारे म्यूचुअल फ्रेंड लाइक मेरी बहन के साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ता था इज नॉट फ्रॉम दिस फील्ड एहसान नाम एहसान अच्छा, एस... हाँ. <laughs> 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 भाई इन पे वो गाना बनता ना एहसान तेरा होगा क्या था मुझ पर वो आ, हो गया एसान का एसान है कि उसने शादी की तो वो सेग्रीगेटेड थी तो मर्द और उठा लिया इतना बड़ा कदम टेंट पार करके वो पूरा क्रॉस करके इधर खाना खत्म हो गया तो वो लेडीज साइड तो क्या उन्होंने जाके आंटी को क्या बोला हाथ में बोटी है और आ गए आंटी के सामने अब आंटी है आपके हस्बैंड है बीच में बोटी है <laughs> बोटी नहीं बोटी खाली <laughs> बोटी नहीं थी अम्मी का बस मनाया उन्होंने कहा कि मुझे आंटी करनी है किस <laughs> <थी> तरह मनाया <laughs> अब मैं उधर थी नहीं उस वक्त लेकिन जो सुनने में आया उसमें ये था कि क्योंकि मैं लेडी सेक्शन में थी क्या ये कहा कि मुझे आपकी बेटी पसंद है मुझे उससे शादी करनी है और काफी कुछ जो है वो बटरिंग की तो मेरी अम्मी ने उनका नाम रखा था मक्खनजू मक्खनजू <laughs> कि बहुत मक्खन लगाया है तो खैर अम्मी फिर कन्विंस हो गई और फिर शादी हो गई आप कन्विंस थी मैं तो कन्विंस थी तभी तो वो 10 पार करके गए उधर सर वहां गई हैं अल्लाह ताला इन दोनों को बहुत खुश रखे और हाँ। अल्लाह ताला ने इनको हाँ। बहुत ही दो प्यारे बेटे दिए हैं जो बड़े क्यूट हैं बहुत ही एनर्जेटिक हैं मेरी उनसे मुलाकात भी हुई है और वो इतने प्यार से आके मुझे मिले हमने पिक्चर भी ली और अल्लाह ताला मतलब मैंने जब उनको देखा मैंने दुआ भी दी और बड़ी आपकी माशाल्लाह प्यारी फैमिली ना, है ना, तो मैं देखिए हमारे शो में ना मेजोरिटी व्यवरशिप यूथ की है तो मैसेज हम देते हैं मैसेज क्या है कि वो स्टेप जो उन्होंने उठाया और लेडीज साइड से वो जेंट्स नहीं नहीं जेंट्स से वो लेडीज साइड की तरफ गए उसकी वजह से देखे आज उन्होंने अपनी जिंदगी में कितनी बेहतरी मुजाहरा किया और एक्सपीरियंस भी की तो ना इनके लिए ना इनके हस्बैंड के लिए इनकी वालदा के लिए तालियां जो मान गई <laughs> आपके वालिद साहब ने टीवी शो में कहा कि मेरी बेटी <laughs> वर्ड यूज़ किया उन्होंने मतलब आई डोंट नो द लिटरल मीनिंग ऑफ इट बट आई थिंक इट्स बी ऑनेस्ट क्यों टाइटल उन्होंने आपको दिया माय फादर इज नॉट वेरी लाइक वो ज्यादा कैमरा हैं तो वो ज्यादा बोल नहीं पाते कैमरा के आगे तो खैर कैमरे के पीछे होते <laughs> <laughs> तो फादर्स डे के शो में मैंने उनको कहा कि अबू बुला रहे हैं तो चल लेते हैं लोग आई वॉन्टेड टू स्पेंड लाइक सम टाइम विद हिम नो समाइम विदो कुछ स्पेशल फादर्स डे का uh. ही वो तो खैर हम गए शो पे तो अबू कुछ बोल ज्यादा नहीं पा रहे थे तो लाइक ऑब्वियसली द होस्ट ट्राइंग टू यू नो कि वो कुछ बोलें तो खैर उन्होंने पूछा आपकी बेटी कैसे डिफरेंट है आपकी बेटी बाकी बेटियों से तो मेरे अबू कहते हैं फातमा काफ़ी छोरी है <laughs> मैंने अबू से पूछा मैंने कहा अबू ये क्या किया आपने कहते मुझे ना मेरा मतलब था शौक़ है चंचल है मैंने कहा ये वर्ड आपने क्यों बोले कह रहे उस वक्त तो मुझे वर्ड मिल नहीं रहा था क्योंकि मैं थोड़ी बबली और पर्की टाइप हूँ अपनी बाकी बहनों से डिफरेंट हूँ वो थोड़ी मिच्योर हैं मतलब तो लाइक कहते हैं बच्चों के साथ आती है तो उनके साथ भी खेल रही होती है लाइक गा रही होती है इस तरह से तो वो जो शोक और चंचल है उन्होंने वो उसको छिछोरी करके बोल दिया बट खैर है लेकिन मैं इसी के ऊपर एक बात करना चाहूंगा देखिए इन लाइफ यू कैन बी मेच्योर बट एट द सेम टाइम यू कैन कीप योर इनर चाइल्ड की हम लोग कहते हैं ना कि यू नो इफ यू आर हैविंग फन इफ यू आर ऑल बबली एंड जॉली मे बी यू आर इमैच्योर नो दैट्स नॉट ट्रू

रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठानी चाहिए अपनी लेकिन उसका यह मतलब नहीं है कि आप उसको ओवर थिंक करके अपने ऊपर सवार करके आप यू नो लाइफ जीना छोड़ दो तो यू शुड एवरी मोमेंट शुड बी यू नो यू शुड ट्राई टू बी हैप्पी ट्राई टू बी हैप्पी स्प्रेड स्माइल्स और एक और इन्होंने मैसेज दे दिया इतना इंपॉर्टेंट देखिए आप लोग हंसी मजाक की बातों को एकदम पिक करते हैं लाफ्टर देते हैं बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग काम की बात भी पकड़े ओवर थिंक

मुश्ताक 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 अंकल अंकल भी हमारे शो पर आएंगे अंकल को कोई मैसेज दे दें प्लीज अब, अब हमारी प्राइवेट बात है बेटी की वालिद साहब की प्राइवेट हम बीच में कुछ नहीं योर स्टोरी बेटी लव्स यू अपो अंकल वी लव यू टू इसी प्यारी सी स्टोरी के साथ हम शो को आगे लेकर चलेंगे और हमारे बड़ा ही एक प्यारा सेगमेंट है जिसको हम कहते हैं लिप बैटल यहां पे फात्मा जी का फेवरेट गाना जब लगेगा वो उसको किस तरह गुनगुनाएंगी किस तरह इन्जॉय करेंगी किस तरह उस पर करेंगी वो हम देखेंगे तो सेट बदल दे चलते हैं लिपसिंग बैटल की तरफ डू दिस The message right now is कि अगर हाँ, हाँ, कि अगर कोई चीज आपको लगे क्या बात है क्या टैलेंट प्रॉप मिल, मिल गया उसको प्रॉप बना लिया क्या इंटेलिजेंस है लेकिन जब मैंने पकड़ा ना मुझे ऑक्टोपस लगा गए आपके माइंड में किस तरह आया कि इंस्टेड कि मैं सोचूं झूमर गिर गया मैं इसको प्रॉप बना लूं ये ियस जो है ना ये आपको एक्टिंग करके कर आप स्पॉन्टेनियस हो जाते हो क्योंकि आप एक्ट जब कर रहे होते हो ना तो देखिए दो तीन तरह के एक्टर्स होते हैं दो तरह के होते हैं एक तो जो सोच के करते हैं और एक जो बगैर सोचे करते हैं अब मैं हूँ बगैर सोचे वालों वालोंटेनियस तो जो उस वक्त दिमाग में आया उसको वो कर लिया तो वो काम आया अभी मेरे वाकई ये ये देखिए ना दिस इज अ माइंडसेट जो आपके पास है एंड शी डिजर्व्स सम अप्रिसिएशन Very nice, very nice, very nice. वो कहता है हाय दिल बेचारा तेरे पीछे पीछे आया, <laughs> हाँ। हाँ। आया सितारों का नजारा लगे रबदा इशारा हाँ। हाय दिल बेचारा तेरे पीछे पीछे आया सितारों का नजारा लगे रबदा इशारा।, इशारा।, इशारा एक तेरा प्यार पाके दूली यानी साथ जी नहीं तो। <laughs> <laughs> मैंने बोल दिया मिक्स कर दिया कर दिया दूसरा वाला सॉन्ग क्या दिल बेचारा ही होता है होता तो है क्यों क्योंकि हद कर देता है ना समझ गई हैं वो कि शो पे क्या जवाब देता <laughs> है वेरी नाइस nice. इनकी इस परफॉर्मेंस के लिए द वे शी एंजॉयड इट और जिस तरह इन्होंने वो प्रॉपर लिव इन द मोमेंट किया है उसके लिए थैंक यू मैंने वैसे दुआ का कहना था आप लोगों ने ताली बजाई <laughs>

उस टाइम को वैल्यू करो और मैं चाहता हूं शो को हम आगे लेकर चले मजेदार सवाल इनसे पूछे इंडस्ट्री में आपके टॉप तीन दोस्त कौन है आ, मेरे दोस्त बहुत कम है इंडस्ट्री में मतलब मैंने बनाए नहीं है क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ी कभी वैसे आ, भी मेरे दोस्त बहुत कम सच्चे दोस्त मिलते हैं इंडस्ट्री में सच्चे दोस्त कहीं भी मिलना बहुत मुश्किल काम है तो आपने बहुत काम किया अपने टॉप ड्रामो में कुछ लोग होते हैं बहुत लकी होते हैं दोस्तों के मामले में कि उनको कहीं भी सच्चे दोस्त मिल जाते हैं जैसे मेरी बहन है

फॉर मी इट्स लाइक घर से काम काम से घर घर से काम और मेरा जितना भी टाइम होता है फ्री वो आई तो और उसकी टाइम ही इतना कम होता है दोस्ती का कि किसी से दोस्ती हुई भी है सेट पे तो वो कैचअप नहीं कर पाया मतलब मिलना और वो सब आपको करना पड़ता है ना वो आपके पिछले दो सालों में आपके हिसाब से सबसे हिट ड्रामा कौन सा रहा है मेरा आ. मेरा बेटियां मुकद्दर का सितारा पिछले दो साल में बेटियां तो मुकद्दर का एक सितारा सेट एक्सपीरियंस कैसा था बेटियां का बेटियां वाज लाइक अ ब्रीज बहुत बहुत मजा आया था और uh, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था इट वाज लाइक वन ऑफ माय बेस्ट एक्सपीरियंसेस कुछ सालों में अच्छा हाँ बिकॉज़ सेट पे सब एक्टर्स की भी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी और जो डायरेक्टर थे वो तो मतलब ही इज वन ऑफ माय फेवरेट्स ऑडियस क्वेश्चन

क्योंकि अगर आपका हस्बैंड और आपके इन लॉज बहुत सपोर्टिव हैं तो फिर आपके लिए मुश्किल नहीं होती है बिकॉज देखिए शादी के बाद यही होता है व्हाट्स नेक्स्ट स्टेप आपकी शादी हुई आप इतने बिजी नहीं होंगे बट अगर आप इफ़ यू हैव किड्स तो आपके लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी हो जाएगी बट अगर आपके बैक हैंड पे सपोर्ट है you know, कि उन्होंने तो मैं अपना करियर फॉलो करना है अपनी यू नो यू हैव टू फॉलो योर ड्रीम्स आप जाओ काम करो टेंशन नहीं है यू you नो know, बच्चों को लेकर या घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा सपोर्ट रही है माई इन लॉज दे आर नॉट एनी मोर विद अस बट जब तक वो थे हयात तो मुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं थी तो यह है कि मेरे बच्चे इस तरह से यू नो दे मतलब मुझे पता भी नहीं चला मैं काम कर रही थी और वो इतने सपोर्टिव थे शादी के बाद वापसी डिपेंड करती है कि आप किस घराने में गए हो शादी के बाद तो आप देख कर देख कर और अल्लाह लॉस को भी जन्नत में, में, में बहुत आला मकाम जी असल क्या नाम है आपका नशरा बहुत प्यारा नाम है सवाल लाइए आप मैम मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ जिस शो में आप जाती थी मैं वो शो छोड़ती नहीं थी थैंक यू सो मच मशाला आपकी क्यूटनेस आपकी ब्यूटीफुल बहुत अच्छी है Thank और you. क्या कहते हैं है किस की की एक्ट्रेस के साथ ज्यादा अच्छी लगती है hmm. <laughs> <laughs> आपको अपने हस्बैंड की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री किस एक्ट्रेस के साथ अच्छी लगती है और किस एक्ट्रेस के साथ अच्छी नहीं लगती uh, अभी तो कुछ सालों से लाइक like, छुड़वा uh, ही दिया आपने उनका छुड़वा दिया मैंने कटा दिया मैंने कहा बस जाओ रेस्टोरेंट खोलो घर बैठो बहुत तुमने <laughs> ये ड्रामे ड्रामे बहुत ड्रामेबाजी कर ली घर जाओ रेस्टोरेंट देखो बिजनेस रन करो ही इज ओनली लुकिंग आफ्टर हिज रेस्टोरेंट अभी

बताना नहीं है. <laughs> नहीं कोई ले ले ले। ओके। कैसी है। कोई क्वेश्चन। को किस जॉनरा के ड्रामास देखने चाहिए किस जॉनरा के ड्रामास देखने चाहिए वो तो ऑडियंस पे डिपेंड करता है कि वो क्या देखना चाहती है बट ये है कि मुझे ऐसा लगता है की फन एलिमेंट भी हो ड्रामास में और सोशल uh, इश्यूज पे भी होने चाहिए ड्रामास हमारे पास ज्यादा स्क्रिप्ट्स होने चाहिए जो कि सोशल इश्यूज को भी एड्रेस करें और लोगों से कुछ सीखें वेरी इंपोर्टेंट मैसेज नेक्स्ट क्वेश्चन अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम क्या हाल है अल्हम्दुलिल्लाह क्या नाम है मेरा नाम हिमाल 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 क्या मतलब है हिमाल का हीरों की माला अरे ओह वाओ बड़े कोई बहुत यू यूनिक नेम्स आ, सुनने को मिल रहे हैं मुझे यहाँ पे अ, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आपकी हॉबीज क्या क्या हैं मेरी हॉबीज फोन यूज करना माशाल्लाह बहुत अच्छा वो बच्चों को क्या मना करना है वो दो बच्चे अलमीर महबीर और मामा तीनों ही <laughs> साथ में लगे हुए हैं नहीं उनसे बच के करती हूँ मैं ज्यादा नहीं करती हूँ उनके, उनके साथ एक दूसरे से मुझे लगता है <laughs> करते होंगे <laughs> <करते> हो <गे। laughs> लेकिन ये उनसे तो फोन ले लिया जाता है जब थोड़ा ज्यादा हो जाए स्क्रीन टाइम तो बट फोन यूज करना प्लस बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना माशाल्लाह बहुत नेक्स्ट जल्दी जल्दी चलो पाले बच्चों जल्दी जल्दी वालेकुम अस्सलाम मेरा फातिमा जी से ये क्वेश्चन है अगर आपको मोमेंट भाई के साथ एक्टिंग करने का मौका मिले तो आप किस रोल में प्रेफर करेंगी किस क्या किस रोल में प्रेफर करेंगे इनको अ मैं करना चाहूँगी कुछ लाइट हार्टेड स्क्रिप्ट मोमिन के साथ बड़ा मज़ा आएगा कुछ इस तरह से थोड़ा कॉमिक और इस तरह से क्योंकि आई लव इज कॉमिक टाइमिंग तो हम करेंगे तो बड़ा मज़ा आएगा उसमें इनशाला थैंक यू नेक्स्ट क्वेश्चन अलमिन भाई वालेकुम अस्सलाम बड़े स्टाइलिश हो माशाल्लाह क्या नाम है तुम्हारा बहुत शुक्रिया मेरा नाम अब्बुज़र खान करते क्या अबुज़र स्टडी क्या पढ़ रहे हो आईसीएस लाइफ में क्या करना है आगे आगे इंशाल्लाह आईटी आईटी के बाद क्या करना है आईटी के बाद अल्लाह बस नसीब अच्छे करे अच्छी जॉब में लग जाए अल्लाह नसीब अच्छे करे अच्छा ऐसे अल्लाह 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 तो करे करे जैसे कोई रहे रहे इसके लिए रहे। वो कह नहीं कुछ तो है बस ताला लेके जाए यार तो नहीं हुआ अभी तक झूठ ना बोल रहा वो देख रही होगी शो और एक सेकंड में वो तुम्हें अपने दिल से उतार देगी स्टैंड नहीं ले सके मुझे सच सच बताओ आपने उसको ये नहीं बताया मम्मी अबू भी देख रहे हैं शो <laughs> मैं वो अब सोच रहा था छूट ना बोलना तुम्हें पता है ना तुम अंडर एटीन हो जी शिनाख्ती तो कार्ड बना तुम्हारा इंशाल्लाह इंशाल्लाह <laughs> नहीं तो अब प्यार तो हो गया अब आगे क्या अच्छा बस मेरा नहीं, नहीं। क्या सवाल पे हो वो शो देख रही होगी तुम क्यों भाग रहे हो अपनी पापा भी देख रहे हैं घर जाना है तो इसके पापा ने कहा है आओ जरा स्टोर रूम में मैं तुम्हें प्यार करूंगा <laughs> इसको जो चित्रों का प्यार मिला है ना प्यार करता है पापा मैं उससे नफरत करता हूं प्यार तो दूर की बात पापा मैं मेरे नसीब ही नहीं नहीं तो आगे उन्हीं के साथ है इरादा सेटल होने का खुद सेटल हो गए हो होना है ना वो मान गई है जी दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो यस ये दो तरफा मोहब्बत है आपका आपका क्या मैसेज है अभी जिसने अभी माशाल्लाह कॉलेज नहीं शुरू किया और इसने प्यार शुरू कर दिया इनके लिए आपका क्या मैसेज है मुझे तो ये लग रहा है ये बहुत बड़ा है आजकल तो मेरे ख्याल में, में ही सबको प्यार हो जाता है मैंने देखा है बच्चों को मॉडल आ रहे हैं <laughs> बस ये जेंजी है जें इस इस उम्र की मोहब्बत पे आपका क्या है क्या मोहब्बत होती है ये तो बस इनफेक्चुएशन होती है मेरे ख्याल में वो अपना सवाल भूल तुम्हारी मोहब्बत <laughs> <laughs> में मैं कोई वैल्यू ऐड करना रहा था तुम सवाल पूछो मेरा फातिमा जी से सवाल है कि अरसलान भाई आजकल बच्चों को संभालने के अलावा क्या काम करते हैं क्योंकि बच्चों को क्योंकि वो सेट पे नजर नहीं आ रहे कौन से ड्रामा से तो ड्रामा तो छोड़ दिया देखे दुनिया में सिर्फ ड्रामे करना ही एक काम नहीं होता है मैंने बताया वो रेस्टोरेंट अपना देखते हैं और बिजनेस अपना जब तक खुद ना देखा जाए वो उस तरह से नहीं वो करता और बिल्कुल बच्चों को भी टाइम देते हैं हम लोगों ने बच्चों के लिए टाइम डिवाइड किया हुआ है क्योंकि हम लोग बच्चों को मुलाजमो पे छोड़ने पे यकीन नहीं रखते तो हम लोगों ने टाइमिंग्स डिवाइड किए हुए हैं ऐसे कि हम मैं सुबह में काम पे जाती हूँ और मैं जल्दी वापस आ जाती हूँ रात में नौ बजे तक और फिर वो शाम में जाते हैं रात को एक दो बजे तक आते हैं तो इस तरह से हमने अपने टाइमिंग्स डिवाइड किए हुए ताकि बच्चों के पास एनी टाइम कोई ना कोई जरूर मौजूद हो ये बहुत अच्छी सोच है सब उन माँ बाप के लिए जो अपने बच्चों को आप टाइम नहीं देंगे ना तो फिर बाद में आप रिग्रेट ही करेंगे तो हाँ। ये बड़े इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल डिफाइनिंग होते हैं उसके लिए आपको बहुत कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं बहुत काम छोड़ना पड़ता है कमर को के पास ऑप्शन था रेस्टोरेंट के साथ एक्टिंग करने का बट अभी भी मैं कम को जब भी कहती हूँ कि आप यू नो यू कैन इवन परसू आप उसको करो तो वो कहते हैं मैं मुझे मजा आता है रेस्टोरेंट के काम में और मुझे मतलब मैं मेरे अंदर इतना वो नहीं है कि पेशेंस के मैं यू नो दोनों चीज़ें करूं एंड देन बच्चे सफ़र करेंगे और सिमिलरली मेरा है कि मैं आई गेव अपन अ लॉट ऑफ वर्क मैं एक टाइम पे एक प्रोजेक्ट करती हूं ताकि मैं

काम ज्यादा मिलता है सच। okay. या late night party? Late night drive. मैंने कभी रोल की सिफारिश नहीं की कभी भी नहीं। इन में से किसकी बहुत अच्छी है? चौधरी फाहद मुस्तफा ओके ड्रामा इंडस्ट्री में तीन चीजें जो बेहतर हुई है एग्जीक्यूशन बेहतर हुई है um, बेहतर हुआ है। okay. और um, एक्टिंग बेहतर हुई है ये पॉलिटिशन अगर सियासत के अलावा कोई फील्ड ज्वाइन करना चाहें तो आप इनको किस फील्ड का मशवरा देंगी? शेख रशीद शेख रशीद एक अच्छे आ, वो बनेंगे एक्टर हाँ एक्टर अच्छे बनेंगे एक्टर नहीं आई एन डांसर इज लाइक इज अ वाइब डांसर ये ये मतलब आज शेख रशीद देख को बैठे कर सकते हैं करते हुए मतलब मैं बताऊं उनको देख के ना एक, 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 एक कूल cool सी एक रॉकस्टार सी वाइब आती है रॉकस्टार मूवी में हाँ। रणबीर कपूर की जगह नरगिस फाखरी के साथ शेख रशीद होते हाँ। तो बाइक में फिर नरगिस कहां बैठती कैसे आप दूर तो रॉकस्टार नहीं नहीं वो, 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 वो... सियासत के रॉकस्टार हैं सियासत के हां ठीक है बिलावल भुट्टो मोटिवेशनल स्पीकर मरियम नवाज वो अगर नहीं होती पॉलिटिक्स में आई थिंक डिजाइनर या सैलून वगैरह होता उनका कुछ

वो तो हंसना शुरू हो जाएंगे माम ऐसा <laughs> गुस्सा नहीं मेरा गुस्सा काम करता ना उनपे तभी तो बाबा जो है वो रोल प्ले करते हैं प्रैक्टिस करवाते हैं हाँ जिसने भी ये जुर्म किया कानून से बचकर वो कहीं नहीं जा सकता लंदन भी नहीं हम्म ओके मुझे पता नहीं क्यों हंसी आ रही है मुझे लग रहा है इस शो में मैं सिर्फ हंसने आई हूँ गुस्सा करने नहीं आई हंसते हंसते गुस्सा कर जिसने भी ये जुर्म किया कानून से बचकर वो कहीं भी नहीं जा सकता लंदन भी नहीं क्या yeah, हेलो? <laughs> सारे गवाह मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है जो होड़ासी हो गया मिट्टी पाओ जाओ <laughs> ये अब बदमाश जज है फुल। ओ सारे गवाह को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि जो होड़ा सी होया सारे रोटी खाओ तो घर न जाओ आगा। <laughs> आगा। नाजरीन देखिए <laughs> ये बगैर हेलमेट के बगैर नंबर प्लेट के जा रहा है ऊपर से पुलिस वाला है आईजी साहब देखिए ये आपको सलाम भेज रहा है नजरे देखिए इसकी आ, क्या देखे नाजरीन ये हेलमेट पहने बगैर नंबर प्लेट के बगैर जा रहा है ऊपर से पुलिस वाला है नजर देखिये इसकी और ये आई जी आपको पैगाम भी भेज रहा है अच्छा की रिपोर्टर है आप। ये शख्स हेलमेट पहने बगैर बगैर नंबर प्लेट के जा रहा है और नाजरीन आप इसको देख सकते हैं कि ये पुलिस वाला भी है और ये आईजी है जिसने इसको देखा है और इसको इस नजर से देख रहा है नाजरीन आप ये देख सकते हैं ये शख्स इसको गिरफ्तार करेंगे और साइरन भी बज पड़ा <laughs> नहीं ऑन अ सीरियस नोट जोक्स अपार्ट वेरी टैलेंटेड वेरी स्पॉन्टेनियस थैंक यू एक्सट्रीमली एनर्जेटिक और जो आपका एक्टिंग स्किल है जिस तरह आप रोल में जाकर इतने उसको आपने कॉन्फिडेंस से एक्ट किया है ये इन लोगों की तालियों ने और इन लोगों की मोहब्बत ने इस बात है. की गवाही दी है एक दफा फिर

और वही पता भी नहीं चला कैसे शो का टाइम खत्म मतलब था, <laughs> आप दोनों अभी बारह बज गए हैं अब स्कूल <laughs> भी जाना है एक दफा फिर से आपका बहुत शुक्रिया शो पर आने का हम शो का एंड एक अक्सर सोशल इशू को हाईलाइट करके या कोई प्यारी बात करके करते हैं तो आपने कहा कि आपके दिल के करीब एक बहुत बात है कि, people, आ, चोटी चोटी है कि हम सब ओनरशिप लें ऑफ़ ऑफ़ रिलाइंग ऑन गवर्नमेंट नहीं करवाते के साथ वाले का भी फायदा हो जाएगा हम हाँ। कहते हैं कि नहीं घर के अंदर की सफाई करेंगे घर के बाहर की नहीं करेंगे क्योंकि उसमें तो तीनों को कंट्रीब्यूट करना चाहिए पंद्रह हजार खर्चा पांच हो जाएगा अब खुद से ओनरशिप लेना शुरू कर दो चीजों की दूसरों को दूसरों पे रिलाई करना छोड़ दो इसी तरह कलेक्टिव पॉजिटिव चेंज आएगा मतलब यू नो इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग द गवर्नमेंट अपने एंड पे भी आप चीजें अगर आप कहते हो कि okay, जी वो ये कर रहे हैं तो वो करें आप क्या कर रहे हो लाइक like, आप दूध वाला दूध में पानी मिला रहा है फ्रूट वाला फ्रूट पे स्प्रे कर रहा है अपने एंड पे छोटा मोटा सब जिसकी जितनी औकात है जिसकी जितनी हैसियत है वो उस लेवल पे कर रहा है तो आई थिंक कलेक्टिवली अगर आप जब तक ये नहीं सोचोगे कि यूनों के कि अपना और अपने मुल्क का फायदा जब तक आपकी यूनिटी नहीं होगी तब तक हालात नहीं बदलेंगे इट्स वेरी ईजी कि हम बैठ के यू नो ब्लेम करते हैं अब एक हालात हैं वो हालात हैं आपको अब हमें यू नो वी नीड टू टेक अ स्टैंड और मिल लड़ना है बहुत प्यारी बात की है मैं चाहूंगा इस बात पे आप सब गौर करें हंसते खेलते रहें और मैं आपसे इन नहीं हंसो स्माइल करो काम की बात थी लेकिन स्माइल फिर करना है स्माइल क्या वेरी गुड इसी तरह स्माइल करते रहो और बहुत जल्द मिलूंगा आपसे हद कर दी के अगले एपिसोड में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज आई लव यू टेक केयर